त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए समस्त प्रभारी व अपर प्रभारी अधिकारियों एवं आरओ व एआरओ सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट के निर्वाचन कार्यों की समीक्षा एवं प्रशिक्षण जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सम्पन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कार्य प्रभार व जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को शांति प्रिय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए तथा उसकी संपूर्ण व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन कराने के लिए प्रभारी एवं अपर प्रभारी अधिकारियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसलिए संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ पूरा करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने सेक्टर एवं जोन का भ्रमण करके क्षेत्र के संवेदनशीलता सहित पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और उसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम सभी को टीम के रूप में कार्य करते हुए एक अच्छा चुनाव संपन्न कराना है। सीडीओ ने बताया कि नामांकन केंद्रों पर सीसीटीवी एवं वीडियो कैमरा भी उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नगर एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट को उनके कार्य एवं दायित्वों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, यहाँ पर यहाँ नीचे और ऊपर एक शिफ्ट में 250 टीमों को, 250 टीम का मतलब 1000 कर्मचारियों की ट्रेनिंग करेंगे। 2500 टीमें हो जा रही हैं, तो 10 तारीख तक हमारी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। रहे हैं जो इस दौरान किन्हीं कारणों से बीमारी की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से डिसेबिलिटी चेंज हो जाएगी, उनका जो अवशेष लोग होंगे उनकी 11 को प्रशिक्षण करा देंगे। तो 8 से 11 के बीच में प्रशिक्षण होगा। इस प्रकार से प्रभारी अधिकारियों के साथ हमारी बात पूरी हो गई, एसडीएम साहबान के साथ पूरी हो गई। अब हाल में हमारे एसडीएम साहबान से परिचित करा दे रहे हैं मंच पर बुला करके। मैं स्टार्ट करूंगा ज्वाइंट सर से। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहबान अपना नाम बता दें, अपने जो भी मोबाइल नंबर है, और आप सर अपना ब्लॉग भी बता देंगे। जंगल कौड़िया, ये सभी कर लीजिए 0551 0551 233 3461। आप जो इन सभी 6 ब्लॉक के अंदर सेक्टर जोनल के यह इंफॉर्मेशन देनी है, उस एक ग्रुप के अंदर आपको पोस्ट कर देना रहेगा। निष्ठावान, ईमानदार, निष्पक्ष जिला मजिस्ट्रेट है, वो निर्णय अपने विवेक के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से तुरंत लेना है। किसी की सलाह पे निर्णय नहीं लेने हैं, निर्णय आपको अपने विवेक पे लेने हैं कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आपको क्या करना है। आपके पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स आपके साथ रहेंगे और वो आपको पुलिस बल मुहैया कराएंगे। डिसीजन आपका है, क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं के लिए 250 मजिस्ट्रेटों का सलाह लेना उचित नहीं है। सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको अभी दे दे रहा हूँ, इसके बावजूद निर्णय आपको अपने विवेक से लेना है और आपको एज ए जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र का सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त है, आपको फुल फ्लैश पावर है। इसके अलावा सीसीटीवी वीडियोग्राफी की व्यवस्था परसों के लिए और एक दिन एक्स्ट्रा के लिए जरूर कर लें ब्लॉक पे, जो आपको वीडियो सहयोग कर देंगे। और अपने बैठने की वहाँ अच्छे से व्यवस्था जो है आज शाम तक देख ले जाके, आरओस और एआरओस के लिए मेरा ये कहना। इसके अलावा मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो ऊपर है उनसे बात कर लीजिए, प्रभारी अधिकारियों से बात कर लीजिए। फिर 7895564 98 बहुत है, यानी जो इस पर 30 लाख है, और जैसे वोटर की संख्या के अलावा इस पर जो स्टेक्स है, यानी जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो उस पर भागने वाले हैं, उनका संख्या हजारों में होता है। टाइमिंग तो सुबह से शाम तक होगा, हो सकता है 1 घंटे पढ़ने के लिए बात चल रहा है, तो टाइमिंग यदि रिवाइज होगा तो आपको बता देंगे, ताकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह ये धीमे चलेगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारा मेनटेन करना है वहाँ, और मास्क पहनना है, और बाकी कोविड प्रोटोकॉल है उसको हमें पालन करना, उस पर थोड़ा समय लग सकता है सैनिटाइज कराने के मामला में, प्रोटोकॉल है तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है। नंबर सब वोट कितने एक बूथ में देना है उसको भी संख्या घटा दी गई, पहले 1000 के आसपास हम लोग एक जगह डालते थे, अभी तो उसको बना करके 800 कर दिया।
फिर इसमें चार तरह का जो वोट एक वोटर आके डालेंगे, एक तो उनका गांव का प्रधान का चुनने के लिए है, उससे स्टेक्स ज़्यादा होता है, ग्रेविटी ज़्यादा होता है। दूसरा उनका जो ग्राम पंचायत का सदस्य का भी एक होता है उसी पे, उससे ज़्यादा लाल रुचि नहीं लेते फिर भी तो चाहिए। तीसरा बी टी सी सदस्य, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है उसमें सदस्य का होता है ताकि अध्यक्ष उसके इनडायरेक्टली बाद में चुनाया जाता है, उन्हीं का होता है। फिर तीसरा वोट, चौथा वोट तो जिला पंचायत सदस्य का होता है, कंसर्न वार्ड में जिस वार्ड में पड़ता है उसी के हिसाब से वो वोट डालता है। उसी तरह का जो अलग अलग रंग में होता है वोट उनका डालना होता है। जैसे मैनुअल वोटिंग है, चार डब्बा रखते थे अलग अलग का, उसका कमीशन इस बार तो चेंज करा दिया, केवल दो ही डब्बा रहेगा। दो डब्बा में ये चार वोट का जो चार मत का अलग अलग डब्बा में दो दो करके डालेंगे, तब ये बढ़ जाएगा, तो फिर उसके बाद तो उम्मीद है उसी के अंदर ही तो हो जाना चाहिए। आपको पहले में सेक्टर दोनों में सेक्टर तो राइट और कर्तव्य तो एस डी एम साहब ने सब लोग बताए। वैसे देखिए आप मजिस्ट्रेट उसी क्षेत्र का, आप ही डीएम है, यानी जो आप हो सकता है कुछ लोग मजिस्ट्रेट का पहले नाम सुने होंगे, इस्तेमाल किए होंगे पावर पुलिस पहले सिलेक्शन के समय में किए होंगे। असली मजिस्ट्रेट मतलब वहाँ का किसी का निर्भर बिना करते हुए आप ही का काम का निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। मजिस्ट्रेट मतलब वही वहाँ का जज, वहाँ का आप ही न्यायाधीश है, जो उचित है सही है उसका निर्णय वहाँ ले करके उसकी इम्प्लीमेंट कराना है। बिल्कुल चेंज कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, पहले तो फेस वाइज धीरे धीरे दो ब्लॉक तीन ब्लॉक फेस वाइज पूरे एक दो महीने चुनाव चलती थी, पूरा समाप्त कर दिए। एक ही दिन में चुनाव पूरे डिस्ट्रिक्ट में होना है, एक ही दिन में होना है। देखिए आप जानते हैं 15 तारीख का यहाँ पोलिंग होगी, चुनाव का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। अभी फिलहाल आज सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और आरओ एआर उसको ट्रेनिंग है। वैसे नामांकन हमारा परसों से यानी 3 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, अभी नामांकन पत्र बट रहा है और बाकी जो क्षेत्र में भी हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं। उम्मीद है शांतिपूर्वक चुनाव होगा, उसी की तैयारी पर।